Good morning, everybody. Myself Komal Sahani, Senior Lecturer, CTTM, Government Women's Polytechnic College, Ajmer. आज के मेरा टॉपिक है स्टे स्टिचिंग. आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी. स्टे स्टिचिंग में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट डज अ स्टे मींस. स्टे का मतलब होता है कि किसी को भी स्पेसिफिक स्टेट या पोजीशन में रखना. और स्टिचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम स्टिचेस को लगाते हैं, और जब स्टिचेस लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम स्टिचिंग कहते हैं. तो स्टे स्टिचिंग का मतलब हुआ कि सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि मीनिंग और पर्पस स्टे स्टिचिंग का क्या है. तो पहला है टू कीप द कट गारमेंट पार्ट्स इन अ स्पेसिफिक स्टेट और पोजिशन बिफोर स्टिचिंग. That is, it is used to provide the stability to the fabric. जब हम गारमेंट के हिस्सों को कट करते हैं स्टिच करने से पहले, जब हम कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद उनकी उन्हें स्पेसिफिक स्टेट या जो उनके जो कटा हुआ हिस्से है उसकी जो स्थिति है उसको बनाए रखने के लिए हम स्टे स्टिचेस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये वस्त्र को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है कि इट प्रिवेंटेड फ्रॉम स्ट्रेचिंग और डिस्टॉर्टिंग आउट ऑफ शेप, हैंस हेल्प्स इन रिटेनिंग द एग्जैक्ट मेजरमेंट्स एंड शेप ऑफ द गारमेंट. अब क्या होता है कि जो भी गारमेंट कट किया जाता है उसमें बहुत सारी बायस ग्रेन्स भी होती हैं, तो उससे जो वस्त्र का जो हिस्सा है या परिधान का जो हिस्सा है वो स्ट्रेच खिंच सकता है और उसकी जो शेप है वो बिगड़ सकती है, यानी कि वो डिस्टॉर्ट हो सकती है. इसीलिए उस शेप को बरकरार रखने के लिए हमें स्टे स्टिचेस का प्रयोग किया जाता है. और इससे क्या होता है, जो परिधान का शेप है और जो उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो मेंटेन रहता है या रिटेन रहता है. थर्ड है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल इंश्योर दैट योर हैंडमेड क्लोथिंग ड्रेप्स प्रॉपरली. जब हम स्टे स्टिचेस का प्रयोग करते हैं तो जो हमारा हैंडमेड या होममेड क्लोथिंग है वो बहुत ही सही प्रकार से ड्रेप या फिर हैंग करती है. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ड्रेपेबिलिटी है अगर वो हम स्टे स्टिचेस का प्रयोग नहीं करते तो वो डिविएट हो सकती है. स्टे स्टिचिंग करने से पहले हमें कुछ एक सामान्य से नियमों का पालन करना पड़ता है, विच आर नोन एज जनरल रूल्स. और उन्हीं को हम किस तरह से फॉलो करेंगे उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी. कुछ ऐसे रूल्स हैं जैसे कि नंबर वन, नेवर और डू नॉट स्किप दिस स्टेप. सबसे पहला ये है कि स्टे स्टिचिंग वाला जो स्टेप है या ये जो चरण है इसे कभी भी स्किप ना करें, हमेशा स्टे स्टिचेस का प्रयोग करें. दूसरा है, स्टे स्टिचिंग इज अ सिंगल लाइन ऑफ स्टिचिंग थ्रू वन लेयर ऑफ द फैब्रिक. स्टे स्टिचिंग जो है वो सिंगल लेयर पे ही लगाई जाती है. जैसे कि अगर जब हम दो हिस्सों को जोड़ते हैं, जैसे बिफोर स्टिचिंग जब हम क्या करते हैं कि बैक और फ्रंट का जैसे हमें शोल्डर वाला पार्ट ज्वाइन करना है, तब वो प्रक्रिया कहलाती है बास्टिंग. और बास्टिंग करने से पूर्व की प्रक्रिया होती है स्टे स्टिचिंग. तो ये जो दो चीज़ों में अंतर है वो हमें ध्यान में रखना है कि जो स्टे स्टिचिंग है बैक पार्ट में अलग लगेगा, फ्रंट में अलग लगेगा और स्लीव्स में भी अलग से लगेगा. और ये चारों ओर लगाया जाता है, ये चारों ओर लगाया जाता है. और जो बास्टिंग होती है वो क्या होती है, दो लेस को जब ज्वाइन करते हैं तब हम बास्ट करते हैं. ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस है. सो स्टे स्टिचेस जो है वो एक सिंगल लाइन ऑफ स्टिचिंग है और कि हर वस्त्र के सिंगल लेयर पे ही लगाई जाती है. थर्ड है, स्टिचेस प्लेस्ड ऑन और जस्ट आउटसाइड द सीम लाइन. जो स्टिचेस बनाई जाती हैं स्टे स्टिचेस वो सीम लाइंस पे बनाई जाती है या फिर सीम लाइन के बाहर की ओर, यानी जहाँ सीम अलाउंस होता है रखा जाता है, कटिंग लाइन और सीम लाइन के बीच में जो सीम अलाउंस होता है उसमें इन स्टिचेस को क्रिएट किया जाता है या बनाया जाता है. सो द स्टे स्टिचेस विद इन द सीम अलाउंस, यानी सीम अलाउंस के उसमें होना चाहिए, कितना, 1/8 inch अवे फ्रॉम द सीम लाइन. 1/8 inch इज अप्रॉक्सीमेटली, यू मस्ट बी नोइंग, 0.31 cm अवे होना चाहिए सीम लाइन से.
और या फिर सामान्यतः इट शुड बी हाफ इंच फॉर अ 5/8 इंचेस सीम अलाउंस। अगर हमने सीम अलाउंस हमने 5/8 इंचेस दिया है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.55 सेंटीमीटर्स, तो हम 1.2 पे हम स्टे स्टिचेस लगा सकते हैं। देन कम्स अ फोर्थ पॉइंट है, यूज़ रेगुलर स्टिच लेंथ बट डोंट बैक स्टिच। हमें जब भी हम स्टे स्टिचेस लगाएंगे तो स्टिचेस की जो लेंथ है वो बिल्कुल रेगुलर होनी चाहिए, और ना तो ये बड़ी होनी चाहिए और ना ही ये छोटी होनी चाहिए। जैसे कि जैसे हम रनिंग स्टिच करते हैं वो रेगुलर स्टिच लेंथ में आती है, और अनइवन और इवन जो होती हैं उसमें वेरिएशन होता है, इसलिए वो रेगुलर स्टिच लेंथ में नहीं आती हैं। तो रेगुलर स्टिच लेंथ का प्रयोग करेंगे, बट कभी भी आप बैक स्टिच का प्रयोग ना करें, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है यूज़ मैचिंग थ्रेड। तो स्टे स्टिचेस जो होती हैं वो हमेशा मैचिंग थ्रेड से ही लगाई जाती हैं, ठीक है। तो मैचिंग थ्रेड में मतलब जिस कलर का फैब्रिक है, अगर पिंक कलर का है और उसी से हमें स्विंग करनी है तो वही मैचिंग थ्रेड से हम स्टे स्टिचेस भी लगाएंगे। स्टे स्टिचेस आर नॉट रिमूव्ड, यू कैन नॉट रिमूव इट, ओके। आपको कभी करना हो तो आप उसे रिमूव कर भी सकते हैं, बट वैसे अगर ना करें तो भी स्टिचिंग की जा सकती है। देन सिक्स पॉइंट इज स्टिच विद द ग्रेन, यानी ग्रेन के अनुसार ही आप स्टिच करें। एंड दिस यूजुअली मीन्स कि हम वाइडर पार्ट से टू द नैरोअर पार्ट, दैट इज़ फ्रॉम द हाइएस्ट पॉइंट टू द लोअर पॉइंट। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा बॉडीज ब्लॉक है, तो अगर बॉडीज ब्लॉक में जो हमारा हाइएस्ट पॉइंट होता है, जैसे अगर हमें शोल्डर पे हमें स्टे स्टिच लगानी है, तो हमारा हायर पॉइंट होगा हमारा बेस ऑफ द नेक वाला पॉइंट है, उस पॉइंट से, यानी कि वो इस तरह से होगा, तो हम हायर पॉइंट से लेते हुए फिर हम लोअर पॉइंट पे आएंगे। सो हायर पॉइंट इज़ योर नेक पॉइंट एंड द लोअर पॉइंट इज़ योर शोल्डर पॉइंट। तो फ्रॉम हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट, इसी तरह से जब अगर हमारी नेक लाइंस हैं तो नेक लाइंस में हम क्या देखेंगे कि हायर पॉइंट हमारा बेस ऑफ द नेक वाला पॉइंट है, और फिर हम नीचे उसकी जो डेप्थ में आएंगे दैट विल बी द लोअर पॉइंट, मीन्स फ्रॉम अप टू हाई। तो ये हो गया हमारा कि हमें किस तरह से स्टिचेस को लगाना है, स्टे स्टिचेस को। सेवन पॉइंट है द मोर लूजली द वुवन फैब्रिक इज द मोर लाइकली द थ्रेड्स ऑफ द फैब्रिक विल मूव एंड बिकम डिस्टॉर्टेड, देयरफॉर इन डाउट डू स्टे स्टिच। अगर हम कोई भी परिधान अगर लूजली वुवन वस्त्र में बना रहे हैं तो ये पक्का है कि वो जो फैब्रिक के जो धागे हैं वो मूव होंगे और परिधान को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, यानी उनके उसके आकार को बिगाड़ सकते हैं। तो बिना किसी डाउट के हमें स्टे स्टिचेस का प्रयोग करना है। नाउ एट पॉइंट इज कि ये सिंगल रो ऑफ स्ट्रेट स्टिचेस हैं, सो इट शुड इवन टू बी डन ऑन कॉलर्स कफ्स एक्सेट्रा। स्टिचिंग हेल्प्स देम टू कीप द शेप ऑफ योर पैटर्न पीसेस, सो इट अलाइंस विद द अदर पीसेस। अब ये ही नहीं है कि ये जो सिंगल रो ऑफ स्ट्रेट स्टिचेस है वो हमें केवल बॉडी पार्ट पे ही लगाने हैं। जैसे अब हमारा नेकलाइन है जो वो कि गोल होता है, वो बहुत बायस होता है, वो आर्म होल्स बायस होते हैं, तो हमें उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं लाइक कॉलर्स हैं या स्लीव्स के कफ्स हैं, उन सब पे भी स्टे स्टिचिंग का यूज़ करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो नेकलाइन से जो कॉलर है वो प्रॉपरली अलाइंड हो जाएगा और आपको स्विंग में या स्टिचिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि स्टिचेस जो हैं वो कहाँ पर प्रयोग की जाती है। सो दिस टाइप ऑफ स्टिच इज़ यूजली कॉल्ड फॉर ऑन द एज ऑफ अ पीस ऑफ फैब्रिक, यानी वो क्या होती है जो परिधान का जो कट हिस्सा होता है उसके एजेस के पास ही लगाई जाती हैं, ठीक है। और दैट हैज़ अ बायस कट, और बायस कट होता है जहाँ पे वहाँ पे सबसे अधिक स्टे स्टिचेस को ध्यान से लगाया जाता है, विच कैन बिकम डिस्टॉर्टेड मोर इजिली देन अदर फैब्रिक ग्रेन कट्स, ठीक है। तो बायस एरियाज को हम सबसे ज़्यादा ध्यान में रखते हैं क्योंकि वहाँ पे डिस्टॉर्शन के चांसेस अधिक हो जाते हैं।
सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल मेकिंग स्टे स्टिचेस एंड इट इज़ ऑल्सो कॉमनली यूज ऑन कर्व्ड कट्स सच एज द नेक लाइन्स टू इंश्योर द पीसेस फिट टुगेदर प्रॉपरली इन द मोस्ट क्रूशियल प्लेसेस. सो दीज आर द मोस्ट क्रूशियल प्लेसेस लाइक द नेक लाइन्स द आर्म होल्स एंड इवन द शोल्डर पार्ट इज ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल पार्ट. Now, now comes the benefits of stay stitching. Now, what are the benefits? Is it appropriate for the fabric or not? We're going to see all this also. Now, you can say, first point is to give your sewing project, agar hum chahate hain ki hamari jo sewing project hai, wo bilkul professional finish liye hue ho, then stay stitches is very important and small things that will make a big difference. So, it is बिल्कुल सही है कि अ स्मॉल थिंग्स कैन विल मेक अ बिग डिफरेंस. अगर हम कोई छोटी चीज़ भी एलिमिनेट कर देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा अंतर बड़ा अंतर हमें स्पष्ट दिखाई दे सकता है. सो वंस अ पैटर्न इज कट ऑल वांट टू डू इज टू स्टार्ट स्विंग. हम लोग जैसे ही पेपर पैटर्न कर से हम फैब्रिक को कट करते हैं तो हमारा मन करता है कि हम फटाफट स्विंग को स्टार्ट कर दें, है ना, तो कि सारे पार्ट्स को हम ज्वाइन करें और फटा मतलब शीघ्रता से हम उस परिधान का निर्माण करें. बट ये कुछ फ्यू एक्स्ट्रा मिनट्स होते हैं कि जिसमें हमें स्टे स्टिचेस को ऐड करना बहुत ज़रूरी है. इससे क्या होगा, हमारी जो सारी प्रक्रिया है वो और आसान हो जाएगी और बहुत ही हमारा जो गारमेंट है वो प्रोफेशनल फिनिश लिए हुए तैयार होगा. सो वी कैन से इट विल गो टुगेदर अ होल लॉट ईजियर. ठीक है, तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्टे स्टिचिंग. एंड द सेकेंड बेनिफिट इज दैट इट इज़ अ वेरी गुड कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इट इज़ द वेरी 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 गुड कंस्ट्रक्शन टेक्निक फॉर योर प्रोफेशनल फिनिश. अब हम देखेंगे स्विंग द स्टे स्टिच. अब हमको स्विंग्स कैसे करनी है स्टे स्टिचेस को वो हम देखेंगे. एंड देर आर वेरी सेवरल पॉइंट्स आर टू बी कंसिडर्ड वाइल डूइंग दिस प्रोसेस. Now there are altogether 7 points are there. So our first point is that swing the stay stitch in a certain direction is referred to as directional stitching. जब भी हम swing stay stitches को sew करते हैं तो उनकी कुछ directions होती हैं और उन directions को हम directional stitching भी कहते हैं. Like for example, I've already told you कि कैसे होगा कि जैसे अगर मुझे higher point to lower point जाना है so the direction will going to be from up to down. I'm going to show you in the picture and I'll let you know. Then the intent is to keep the shape of the fabric the same as it was when you cut it out. मतलब हमारे को उसकी जो आकार है उसको बनाए रखना है जब जैसे हमने उसे काटा था उस आकार को हम स्टे स्टिचेस के द्वारा मेंटेन कर सकते हैं या रिटेन कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वर टू सी द ऑपोजिट ऑफ द सजेस्टेड डायरेक्शनल स्टिचिंग you are counteracting the reasons for stay stitching and will likely end up with distorted pieces despite your efforts. अगर आप directional stitching की जो directions को अगर आप परिवर्तित कर देते हैं तो वो आपके सारे efforts को बेकार कर सकता है और आपके जो pieces हैं वो distort हो सकते हैं. so directional stitching का भी बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना होगा. Second point is the same stitching width and length that will be used to construct the garment can be used for stay stitching. तो जो stitching की जो width और length है वो जो हम परिधान के लिए प्रयोग करते हैं वही हम stay stitching के लिए भी हमें करनी चाहिए. जैसे unlike basting और e-stitches, stay stitching is not removed. हम basting और e-stitches को हम हटा देते हैं but हम stay stitches को नहीं हटाते हैं एंड इट इज नॉट रिमूव्ड आफ्टर स्विंग. थर्ड है स्टे स्टिचिंग इज ओनली फॉर द रीइंफोर्समेंट यानी कि वो उस चीज़ को होल्ड करने के लिए प्रयोग की जाती है. स्टे स्टिचिंग इज ओनली फॉर द रीइंफोर्समेंट. इट विल नॉट बी सीन ऑन द आउटसाइड ऑफ द गारमेंट अनलेस यू एक्सीडेंटली स्यू ओवर अ सीम लाइन. अगर आपने सीम लाइन के ऊपर अगर स्टे स्टिचेस लगाई हैं तब वो परिधान में से दिखाई दे सकती हैं अन्यथा वो नहीं दिखाई देंगी. इट विल नेवर बी सीन ऑन द आउटसाइड ऑफ द गारमेंट. फोर्थ
फोर्थ पॉइंट इज ऑल्दो इट मे सीम दैट वी आर अकम्पलिशिंग नथिंग एंड इट इज़ अ स्टेप दैट वी कैन एलिमिनेट इफ पैटर्न डायरेक्शंस कॉल फॉर स्टे स्टिचिंग इट शुड बी डन। अब ये कहा है कि ये कहना चाह रहे हैं कि हमें कई बार लगता है कि ये जो स्टेप होता है इट्स अ यूजलेस स्टेप। समटाइम्स सम पीपल दे थिंक दैट इट इज़ अ यूजलेस स्टेप एंड वी शुड नॉट गो फॉर स्टे स्टिचिंग सो इट हार्डली मैटर्स। सम पर्सन्स दे कैन इवन थिंक अबाउट दैट। बट अगर इफ पेपर पैटर्न पे अगर इस तरह के कोई डायरेक्शन या निर्देश दिए जाते हैं कि आप स्टे स्टिचेस का प्रयोग करें तो आपको ये करना चाहिए। ठीक है, इट इज़ ईजी टू थिंक सेविंग सम, इट इज़ ईजी टू थिंक दैट सेविंग द टाइम बाय स्किपिंग दिस स्टेप। मतलब हम ये सोच सकते हैं कि हम इस स्टे स्टिचेस को ना करके हम अपने समय की बचत कर सकते हैं, बल्कि ये गलत है। इन रियलिटी व्हाट हैपेंस, अ फ्यू मिनट्स विल प्रिवेंट ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द लेटर स्टेप्स। ये फ्यू मिनट्स अगर हम करेंगे तो हमारे आगे वाले जो स्टेप्स में जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो बहुत ही मुश्किल वाली होंगी। जैसे कई बार हमारे, क्योंकि बायस एरियाज जो होते हैं, जब हम टू बायस एरियाज को जोड़ते हैं तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट होती हैं, और इसमें क्या होता है हमारी स्टिचिंग बहुत अफेक्टेड होती है, और उससे क्या होता है हमारा जो हैंग है, ड्रेप है, वो भी गड़बड़ा जाता है। तो वो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए स्टे स्टिचिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन द फिफ्थ पॉइंट इज दैट फैब्रिक दैट हैजंट बीन स्टे स्टिच्ड इज वेरी एप्ट टू बिकम डिस्टॉर्टेड। तो जिन वस्त्रों पर हम स्टे स्टिचेस का प्रयोग नहीं करते हैं उनके डिस्टॉर्ट होने के चांसेस, यानी उनके बिगड़ने के स्वरूप के बिगड़ने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही अधिक हो जाते हैं वाइल प्रेसिंग द पीसेस। और जब हम इंटरफेसिंग्स ऐड करते हैं फैब्रिक पे, तब आपने देखा होगा कि जब हम कॉलर्स चिपकाते हैं तो हम क्या करते हैं फैब्रिक को स्ट्रेच कर देते हैं कई बार, और प्रेशर आयरन के का जो प्रेशर एग्जर्ट होता है कई बार बायस एरियाज में होने की वजह से वो फैब्रिक उससे स्ट्रेच हो जाता है और पुल हो जाता है, और जिसकी वजह से जो उसकी शेप होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। और इससे हमको कई बार क्या होता है हमारा कि जैसे हमारे कॉलर्स में अगर हमने इंटरफेसिंग्स लगाई हैं, यानी कि बुकरम लगाया है, और जब हम उसको अप्लाई करते हैं या तो हमारा नेक छोटा हो जाता है या फिर हमारा कॉलर बड़ा हो जाता है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच कैन कम ड्यूरिंग स्विंग। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स वी शुड वॉट वी शुड डू वी शुड पुट स्टे स्टिचेस। इवन द सिंपल हैंडलिंग द कट आउट फैब्रिक्स कैन मूव फाइबर्स अराउंड इन अनवॉन्टेड वेज। अगर हम सिंपल हैंडलिंग करते हैं, हम ज़रा सा कुछ पिक करते हैं कट करने के बाद, तो उस कट आउट फैब्रिक्स में कई बार फाइबर्स जो हैं वो अपनी डायरेक्शन से डिविएट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें आगे स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। नाउ द सिक्स पॉइंट इज टू जॉइन द पीसेज ऑफ फैब्रिक विदाउट स्टे स्टिचिंग द गारमेंट विल बी आउट ऑफ शेप एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक द पीसेज फिट टुगेदर। तो हम अगर गारमेंट डिस्टॉर्ट हो जाता है, इट आउट ऑफ शेप हो जाता है, तो उन पीसेस को प्रॉपरली फिट करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ईच एंड एवरी वन। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट इट कैन बी स्पेशली प्रॉब्लमैटिक विद द कॉलर्स एंड द फेसिंग एंड व्हेन द टू टाइप्स ऑफ फैब्रिक ग्रेन्स आर सून टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ द नेकलाइन द एज ऑफ अ गारमेंट इज कट ऑन द बायस बट द कॉलर इज ऑन द स्ट्रेट ग्रेन। अब ये दो आप देख सकते हैं, दो डिफरेंस हो गया, बिकॉज स्ट्रेट ग्रेन्स जो होते हैं वो स्ट्रेच नहीं होते हैं, वो कम स्ट्रेच होते हैं, मीन्स मिनिमम स्ट्रेचिंग होती है इसमें, है ना। एंड जो कर्व बायस ग्रेन में जो नेकलाइन करती है वो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है। सो अ स्टे स्टिच विल इंश्योर द टू एंड फिट प्रॉपरली। तो ये दो स्टे स्टिच से क्या होगा, दोनों को वो प्रॉपरली बाइंड करके रखेगा, और इससे क्या होगा जो फिट है नेक से कॉलर का वो बिल्कुल ही प्रॉपर होगा और परफेक्ट होगा। ठीक है, अब मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ कि डायरेक्शनल स्टिचेस कैसे लगाई जाती है। नाउ यू कैन जस्ट सी हियर
ये फैब्रिक पे किस तरह से स्टिचेस लगाई हैं और ये क्रॉस की हुई हैं। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो से स्टे स्टिचेस हैं एक दूसरे को क्रॉस भी करती हैं, ठीक है। ये अब मैं आपको इसमें डायरेक्शंस बताऊंगी, डायरेक्शंस ऑफ स्टे स्टिचेस। ये देखिए, अब आप मैंने आपको बताया था हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट, वाइडर टू नैरोअर पार्ट। तो ये डायरेक्शन है शोल्डर्स पे लगाने का, सिंगल लेयर पे है, ठीक है। अब जैसे अगर राउंड नेक लाइन है तो किस तरह से होगा, देन वन, और इधर भी इस तरह से लगेगी। देन नेक लाइन में हम क्या होगा, फ्रॉम द बेस ऑफ द नेक वाला जो पॉइंट है, नेक पॉइंट से लेकर कमिंग टू द सेंटर। अब आपको क्या करना है कि ये जो धागे, यू डोंट हैव टू पुट नॉट, आपको नॉट नहीं लगानी है, आपको थ्रेड्स छोड़ने हैं, छोटे छोटे इसके एंड्स को छोड़ना है। यहाँ के आप छोड़ देंगे, फिर आप दूसरी नीडल लेंगे, फिर आप लगाएंगे, फिर यहाँ पे वापस से थ्रेड छोड़ देंगे। अब इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपका ये है शोल्डर पॉइंट, और जो है ये आर्म होल वाला पॉइंट जो है ये लोएस्ट पॉइंट है। सो फ्रॉम शोल्डर टू, फिर ये आपका हाईएस्ट पॉइंट हो जाता है और आपको यहाँ धागा छोड़ना है। देन यू विल गोइंग टू क्रॉस इट अगेन। अब आप इसको वापस से क्या करेंगे, इस आर्म होल पॉइंट से देन वेस्ट लाइन तक, ठीक है। फिर ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, तो फिर अंदर से बाहर से अंदर की ओर लगाएंगे। तो ये बाहर वाला जो पॉइंट है, तो ये आपका वेस्ट पॉइंट है और ये आपका सेंटर पॉइंट है। तो आपको यहाँ आके यहाँ पे थ्रेड छोड़ना है, फिर यहाँ आके फिर यहाँ आपको थ्रेड छोड़ना है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन जस्ट सी, दीज ऑल आर डायरेक्शनल विद द हेल्प ऑफ द एरोज आई हैव शोन यू कि ये किस तरह से स्टिचेस लगाई जाएंगी। इसी तरह से ये राउंड नेक लाइन में था और ये वी नेक लाइन में था, एवरीथिंग इज सिमिलर। आप नेक लाइंस में भी देख सकते हैं कि नेक लाइंस में उसमें हम कर्व में जा रहे थे और इसमें हम, तो ये नहीं है कि ये भी बायस है, दिस एरिया इज ऑल्सो बायस, कर्व में भी बायस है एंड वी में भी बायस है, इधर भी बायस है, इधर भी बायस है, इधर भी, एवरीवेयर इज, कुछ एरियाज को छोड़ के बाकी सब एरियाज में बायस है। सो दीज आर द डायरेक्शन ऑफ स्टे स्टिचिंग। थैंक यू वेरी मच।